जय श्री कृष्णा, राधे राधे। द्वादश राशि फल के बारे में श्रवण करते हैं। सूर्य नारायण भगवान अभी उच्च राशि जो इनकी मेष राशि, उससे अब दूसरी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वृष राशि में। और वृष राशि में पहले से सूर्य, शुक्र, बुध और राहु बैठे हैं, वहीं पर सूर्य नारायण अब 14 मई को प्रवेश कर रहे हैं। 14 मई से लेकर 14 जून तक यह गोचर का फल कैसा रहेगा? सूर्य नारायण भगवान आत्मविश्वास, पिता, राजकीय क्षेत्र और आरोग्यता के कारक हैं। तो आओ, द्वादश राशियों के लिए कैसा रहेगा यह फल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए यह आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वाणी में इस समय आप नियंत्रण अवश्य रखें और कार्य क्षेत्रों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापार वर्ग के लिए यह समय श्रेष्ठ है और विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा संबंधित क्षेत्र के लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। कफ वायु विकार के संकेत हैं और क्रोध में विशेष नियंत्रण रखें। क्रोध बढ़ सकता है इस अवधि में, तो आप सूर्य नारायण की उपासना करें और पिता से अच्छे संबंध रखें। वृष राशि की बात करें तो आपके राशि में यह लग्न में ही चतुर्ग्रही योग बन रहा है, आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं बता सकते हैं। शुरू में अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे जैसी डिग्रियां बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे ग्रहण दोष ज़्यादा बनेगा सूर्य और राहु का। तो सुख में वृद्धि होगी, धन लाभ होकर हानि होगी। पहले तो धन लाभ होगा लेकिन फिर हानि होगी। कारोबार में सुधार होगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें आप इस अवधि में। उदर विकार या सिर से संबंधित रोगों में वृद्धि हो सकती है, तो आप इस समय सूर्य नारायण की उपासना करें, सूर्य अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता की सेवा करें। मिथुन राशि की बात करें तो आपके लिए मिला जुला रहेगा यह फल। धन हानि हो सकती है, इसीलिए आप सोच समझ कर धन खर्च करें। दिखावा और गैर कानूनी कार्यों से बचें और बुरे संगति से आप बचें। खूब परिश्रम करें, सूर्य नारायण की उपासना करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, पिता की सेवा करें, अच्छा रहेगा फिर आपके लिए। कर्क राशि की बात करें तो आपके लिए यह गोचर शुभ रहने वाला है। धन योग का निर्माण होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, पदोन्नति, सफलता। और यदि आपके कोई कार्य रुके हैं तो वह कार्य आपके बनेंगे और शत्रुओं की भी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा इस समय, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ कलह आ सकता है, इसीलिए दाम्पत्य जीवन को आप मधुर बनाएं और सूर्य नारायण की उपासना करें, सूर्य अर्घ्य इत्यादि दें। और सिंह राशि की बात करें तो आपके लिए यह बहुत श्रेष्ठ राजकारी योग है, राजयोगकारी है आपके लिए यह गोचर। कार्य क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हो तो आपको खूब मान सम्मान प्राप्त होगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी आपको भी छुटकारा मिलेगा और इस समय आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें, पिता का मान सम्मान करें, पिता की सेवा करें और सूर्य नारायण की उपासना करें, सूर्य अर्घ्य दें। कन्या राशि की बात करें तो आपके लिए यह गोचर सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में जायदाद संबंधित विवाद भी हो सकता है। धन आप सोच समझकर खर्च करें, नहीं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी पड़
पढ़ सकते हैं, इसलिए इस अवधि में आप अपने धन को धर्म कार्य में खर्च करें। और तुला राशि की बात करें तो आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी इस समय, स्वास्थ्य क्षेत्र का विशेष ख्याल रखें और आप वाद विवाद में बिल्कुल न पड़े, इससे आप बचें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और संतान क्षेत्र से आपको शुभ समाचार मिलेगा, तो इस अवधि में आप सूर्य नारायण की उपासना अवश्य करें, सूर्य अर्घ्य अवश्य दें, पिता का सम्मान अवश्य करें। वृश्चिक राशि की बात करें तो आपके लिए यह समय शुभ रहेगा। व्यापार में लाभ मान सम्मान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद की संभावना है, इसीलिए मधुर संबंध बनाएं। इस समय अपने कार्यों में विशेष ध्यान दें और शांत रहें, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और सूर्यनारायण की उपासना करें। धनु राशि की बात करें तो आपके लिए समय आपके उत्साह में वृद्धि होगी और शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन थोड़ी परेशानियां आएगी। विलंब से जो आप कार्य करेंगे आपको विलंब से उसका फल मिलेगा, इसीलिए धैर्य बना रखें, सफलता अवश्य मिलेगी आपको। और धन व्यय और व्यर्थ की यात्रा भी हो सकती है। बड़ों का सम्मान करें, पिता का आदर करें और सूर्य नारायण की उपासना करें। विद्यार्थियों के लिए यह समय श्रेष्ठ रहेगा। मकर राशि की बात करें तो आपको धन हानि में वृद्धि हो सकती है और अपने विचारों पर आप इस समय नियंत्रण रखें, धैर्य से काम लें। यदि गर्भवती महिला है तो थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए नुकसानकारी हो सकती है। विद्यार्थियों का इस अवधि में पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो इस समय आप सूर्य नारायण की उपासना अवश्य करें। कुंभ राशि की बात करें तो आपको धन लाभ के योग बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, वाद विवाद से आप इस समय बचें। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए यह बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। इस समय स्वास्थ्य का ख्याल रखें और इस समय आप परिवार के साथ समय व्यतीत करें, सूर्य नारायण की उपासना करें। मीन राशि की बात करें तो कार्य क्षेत्र और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। बंधुओं से संबंध खराब हो सकते हैं, उग्रता जीवन में आएगी, क्रोध बढ़ेगा आपका, लेकिन मित्रों का साथ मिलेगा आपको। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, सूर्य नारायण की उपासना करें। तो यह गोचर का फल है और आज के ही दिन अक्षय तृतीया भी है, तो इस दिन कोई जप कोई मंत्र उपासना अवश्य करें। आज के दिन जो भी आप करेंगे वह अक्षय रहेगा, इसीलिए आज कोई एक मंत्र अवश्य जपें और भगवान की उपासना करें। अक्षय तृतीया की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।